अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो यहाँ पर है जी अभी सुबह सुबह का टाइम और बस हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जो है सुबह सुबह ही आज हस्बैंड ने ये काम खोल दिया। उन्होंने ये कूलर सारा ओपन किया और उन्होंने कहा कि इसको सारा जो है क्लीन करना है क्योंकि यहाँ पर बारिश तो हो रही है, बीच बीच में एक दिन होती है बारिश, लेकिन ये है कि गर्मियाँ अब स्टार्ट हो चुकी हैं तो अब कूलर भी जो है हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसको सारा जो है क्लीन करना था क्योंकि पानी की वजह से जो है ना इसके अंदर ये सारी चीज़ें, पता नहीं अजीब सी क्या होता है कि पानी की वजह से ये सारा इसके अंदर जम जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने क्लीन किया और ये जो इसकी जालियाँ थी साइडों वाली ये भी खोल के रखी थी, तो इनको जो है तेज़ाब के साथ मैंने अच्छे से सारा वॉश किया, इनको क्लीन किया और कूलर जो है वो अंदर से ये देखें कितने अच्छे से जो है वो क्लीन हो गया अब। और इसको क्लीन करते करते जो है तकरीबन हमारे 2-3 घंटे तो यहीं पे लगे थे, हम दोनों मिलके इसको क्लीन कर रहे थे और काफ़ी देर इसको जो है ना लगी क्लीन करने में। तो ये जी साफ़ हो गया सारा और इसको जो है आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे की रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। तो आज का सुबह का जो सारा टाइम था ना वो तो हमारा कूलर को क्लीन करने में लग गया और बस उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी वगैरह की, जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद अभी जो है ना मैं फ्री होकर आई हूँ किचन में। और किचन में मैं क्या करने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ कुछ मीठा क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों कुछ खाना वगैरह खाने के फ़ौरन बाद से ना मेरा इतना कोई दिल करता है कि कुछ मीठा मिल जाए बस जल्दी से। और कल रात को भी मेरा इसी तरह से दिल कर रहा था और बस मेरा उस टाइम दिल करता कि मुझे मीठा मिल जाए लेकिन बनाना ना पड़े, तो मेरा काफ़ी दिल करता कि मैं गुलाब जामुन बना रहा हूँ लेकिन फिर कल मैंने बनाए नहीं। और आज मैं इस तरह से कर रही हूँ कि पहले से बना के रख रही हूँ ताकि खाने के बाद जो है ना मुझे बनाना कुछ ना पड़े और बस जल्दी से जो है ना मीठा मिल जाए। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आप लोग के साथ ब्लैक चनों के चाट की रेसिपी शेयर की थी मैक्रोनीज़ के साथ, तो उसमें मैंने आप लोग से कहा था कि ये जो चाट है, ये जो सैलेड है, ये वो लोग भी ले सकते हैं जो डाइटिंग पे हैं, एज अ सैलेड या एज अ डिनर वगैरह वो ले सकते हैं, मतलब हेल्दी है वो तो अच्छा है उनके लिए, तो क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपने भी डाइटिंग तो नहीं स्टार्ट कर दी रोज़ों के बाद, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोगों ने डाइटिंग स्टार्ट की हुई है। तो बिल्कुल डाइटिंग तो स्टार्ट करनी है और इरादा भी है मेरा, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट नहीं की हुई। जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि आपने डाइटिंग तो नहीं स्टार्ट कर दी, तो ये तो वो रेसिपी थी जो कि मैंने ईद व्लॉग में भी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो वो वाली रेसिपी थी। मुझे किसी ने कहा था कि डिटेल में आप इसकी रेसिपी शेयर करें, तो तब मैंने उसकी डिटेल में रेसिपी शेयर की थी। और अगर डाइटिंग में कर रही होती ना तो अभी ये गुलाब जामुन मैं ना बना रही होती। आजकल तो मैं डाइटिंग क्या, मैं उल्टा जो है ना ज़्यादा मीठा वगैरह खा रही हूँ, पता नहीं क्यों ईद के बाद से इतना ज़्यादा दिल कर रहा है मीठा वगैरह खाने का। और एक और बात ये कि अभी तो रमज़ान ख़त्म हुआ है, पहले रमज़ान की वजह से नहीं खा सकते थे और अब ये है कि आप डाइटिंग स्टार्ट कर दें, थोड़े से दिन तो बंदे को थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए ना, तो फिलहाल तो मीठा वगैरह और हर चीज़ चलेगी, फिर सोचते हैं आगे डाइटिंग का भी और उस तरह से भी करेंगे। लेकिन इतनी कोई टफ रूटीन मैं नहीं फॉलो करती डाइटिंग की, बस ये है कि मेंटेन करने के लिए उस तरह से और कोई चीज़ इस तरह की मैं यूज़ करती हूँ, मतलब जो रेगुलर मैं उसको रख सकूँ। और वैसे भी जब डाइटिंग के लिए आप बहुत टफ कोई रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो फिर जितना आप वेट लॉस करते हैं ना उतना ज़्यादा आपका फिर वो वापस भी आ जाता है जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ते हो। तो इसलिए फिर जो भी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए ना डाइटिंग के लिए, वो आपको रेगुलर रखना चाहिए उस चीज़ को, ताकि वो जो है ना आपका मेंटेन रहे वेट। तो गुलाब जामुन मेरे रेडी हो गए हैं और उनको जो है थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरह से दम पे रख दिया और वो जब मैं ओपन करूँगी तो फिर फाइनल लुक उनकी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊँगी ये है जी बेटी का झूला, और ये जब हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी ना तब हमने पैक किया था और इस घर में आके बस इसकी जगह ही जो है वो नहीं सिलेक्ट हुई और इसको हमने खोला ही नहीं और इसी तरह से पैक पड़ा हुआ था। तो आज जो है ये ऊपर से उतारा है और इसको जो है ना हस्बैंड अभी जोड़ रहे हैं, ये देखें इस तरह से ये बना है। और बेटी इतना खुश हो रही थी ना इसको देख के, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ वगैरह अगर कुछ दिनों के लिए आप छुपा दो ना और कुछ दिनों के बाद फिर आप वही टॉयज़ निकालो तो वो उनको नए नए लगने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी इसी तरह उसको अब ये न्यू सा लग रहा था और इसको देख के ना एक्साइटेड और भी खुश हो रही थी। अभी हो गई है शाम और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखें
और इसके टूटने के पीछे स्टोरी क्या है वो ये है कि कल जब मैं आटा गूंदने लगी तो ये मैंने डब्बा निकाला और इसको मैं खोलने लगी तो ये खोल ही नहीं रहा था इसका ढक्कन। पता नहीं क्यों कई दफ़ा इस तरह से ये टाइट हो जाता है कि ये खुलता ही नहीं है। और कल तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, और काफ़ी देर में ट्राई करती रही इसे खोलने की, ये नहीं खुल रहा था। और फिर मैंने आखिरकार क्या किया कि ये जो पूरा डब्बा था ना आटे वाला, ये मैंने उठा के फेंका और डब्बा जो है वो तो बच गया नीचे से। मैंने सोचा था कहीं से टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटा और इसका जो ढक्कन था ना वो टूट गया। और मज़े की बात ये कि जब ये टूट गया तो फिर इतना इजीली ये ओपन हो गया कि मैंने सोचा, मैंने कहा पहले इतना आराम से अगर ये खुल जाता तो कम से कम टूटना तो नहीं था ना इसमें। और जब टूट गया तो बाद में मुझे जो होता, मैंने कहा अब ये ढक्कन बंद भी नहीं होगा और ये क्या मैंने कर दिया। तो अब ये है कि इसके लिए नया बॉक्स लेना पड़ेगा आटे के लिए, क्योंकि आटे को बंद करके तो रखना होता है। खैर हो जाता है कभी कभार, इतना गुस्सा भी आ जाता है और साल में एक आध बार ना मेरे साथ ये हो ही जाता है। तो आप लोग में से किस किस को गुस्सा आता है, वो इस तरह से करता है, या आप लोग क्या करते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अभी मैंने कीमा निकाला है बनाने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा अभी फ्रीज़ है कि वो टूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और छुरी से भी मैंने उसे कटिंग करने की ट्राई की, लेकिन वो कटिंग भी नहीं हो रहा। तो बस उसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया कि वो डीप फ्रीज हो जाए। और यहाँ पे कुछ बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे तो ये मैंने कहा संभाल लूँ, और ये जो शेल्फ़ है ना पूरी, इसको मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि जब मैं कुकिंग करने लगती हूँ ना तो बस जब तक किचन पूरा क्लीन ना हो ना तो कुकिंग में मज़ा भी नहीं आता। तो बस मैंने सोचा पहले ये सारी शेल्फ जो है इसको क्लीन कर दूँ, और जो बर्तन वगैरह तो पहले मैंने वॉश कर लिए थे। और आजकल जब भी मैं किचन में काम कर रही होती ना तो ये दो चीज़ें मेरे पास लाजमी पड़ी होती हैं, ठंडा पानी और दूसरा टिश्यू। और कीमा जो है इसको मैं बनाने लगी हूँ कुकर में, क्योंकि इसको जो है ना गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर ये है कि मैं इसको 3-4 मिनट प्रेशर दे लेती हूँ, फिर ये फटाफट से वो रेडी हो जाता है। और लहसुन जो है इसको मैं हमेशा जो है ना इस से क्रश करती हूँ, उसको मैं पीसती नहीं, आपने देखा होगा हमेशा मेरी वीडियोज़ में। तो लहसुन जो है इसका कहते हैं कि ये नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपके नेल्स टूटते हैं या आपके नेल्स बारीक है ना तो ये लहसुन लगाना चाहिए ऊपर। तो इस तरह से क्रश करने से ये होता है कि वो नेल्स भी लग जाते हैं और क्रश भी हो जाता है। तो फिर मैं हमेशा जो है ना इस से क्रश कर लेती हूँ कि अच्छा कि चलो नेल्स भी लग जाएगा लहसुन। और एक बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप लोगों में से जो भी न्यू हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अपना नेम मेरे साथ शेयर किया करें ताकि आप लोग का नेम जो है मैं अपनी वीडियो में शामिल कर सकूँ। क्योंकि जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए होते हैं ना तो उनका नेम जो है मैं अपने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर शामिल करती हूँ। तो आप लोग भी अपना नेम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में ना मैं एक चैनल को शाउट आउट भी देने वाली हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि ईद के बाद से मैं अपनी वीडियोस में जो है उन लोगों को शाउट आउट दूंगी जिनके कमेंट्स मुझे ज़्यादा मिलते रहते हैं, जो लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं प्यारे प्यारे। तो अभी जब मैंने शाउट आउट का सोचा था तो सबसे पहले जो है ना इनका नेम मेरे माइंड में आया था जिनको आज मैं शाउट आउट देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर वीडियोज़ है ना मोस्टली इन पर पहला कमेंट इन्हीं का होता है, और हमेशा ये मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करती हैं, और जब भी इनके कमेंट आते हैं ना तो उससे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग को भी मैं शाउट आउट दूँ, आप लोग भी सपोर्ट करूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं अपना नेम, अपने चैनल का नेम, कि आप लोग को भी मैं शाउट आउट दूँ। और जिस जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो जाएँ और जल्दी से मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। और कई बार मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपका इंस्टा जो है वो नहीं मिल रहा आपके इस नेम से वहाँ पे, तो इंस्टा पे भी मैं दारिया व्लॉग्स के नाम से ही हूँ। और मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर जाएँ ना तो वहाँ पे मैंने इंस्टा का लिंक दिया होता है, आप वहाँ से भी जा सकती हैं। तो जिस चैनल को आज मैं शाउट आउट देने वाली हूँ वो हैं जी कुकिंग एंड क्रोशेट क्रेज़। और इनके नेम से शायद आप लोगों को मुश्किल हो जाए तो इनका जो लिंक है चैनल का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और कमेंट्स में भी जो है ना सबसे पहले नंबर पे जो कमेंट हम पिन करते हैं वहाँ पे भी मैं इनके चैनल का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा सबसे पहला कमेंट तो इन्हीं का ही आता है, तो आप इनके कमेंट से, इनके नेम से भी इनके चैनल पे जा सकते हैं। तो ज़रूर इनके चैनल को आप लोग चेक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को इनकी वीडियोस पसंद आएँ तो आप इनको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इनकी जो वीडियोस हैं वो सब मैंने देखी हैं, बड़े मज़े की छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती हैं इनकी, और DIYs बड़े मज़े के होते हैं इनके, और होम डेकोर वगैरह के, तो ज़रूर देखिएगा जाके इनकी वीडियोज़ आप लोग भी। और बस साथ साथ कीमा भी जो है मेरा रेडी होने वाला है, इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और मसाले ऐड कर दिए और अच्छे से फिर भून के, तो इसमें मैंने मटर और आलू ऐड कर दिए हैं। तो इसको बस 2 मिनट के लिए मैं प्रेशर दूंगी ताकि आलू और मटर जो है ना वो जल्दी से गल जाएँ और ये रेडी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो सारा गन बन चुका है ना कुकिंग करते करते, यहाँ पर जो बर्तन सारे जमा हो चुके हैं इनको मैं अभी इसमें इनको मैं वॉश करूँगी।
तो ये देखें इसको मैंने अच्छे से बस भून लिया है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे जो है ना कीमा मटर में थोड़ा सा हल्का हल्का सा शोरबा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा रखूँगी। और बस ये थोड़े से बर्तन हैं यहाँ पे, मैं इनको वॉश करूँगी, और कुकर जो है वो मैंने बंद कर दिया बस 2-3 मिनट के लिए, इसको मैं प्रेशर दूँगी तो आलू और मटर जो है वो गल जाएंगे तो वो रेडी हो जाएगा। और गुलाब जामुन जो हैं वो भी मेरे रेडी हो गए थे, मैंने तो ट्राई करके खा के देख लिए मज़े के बने, और आप लोगों को भी अभी मैं उनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से गुलाब जामुन मेरे रेडी हुए थे और बड़े मज़े के टेस्टी बने थे, और मुझे जो है ना आप इनमें और मार्केट वालों में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं महसूस होता, और हमेशा मैं यही वाले बनाती हूँ लजीजा गुलाब जामुन डब्बे वाले, तो ये कि ईजी भी हैं और फटाफट से घर में बन भी जाते हैं, और गर्म गर्म जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जो मार्केट से हम लोग लाते हैं ना वो ज़रा ठंडे होते हैं ना उस तरह से, लेकिन ये जो होते हैं ना गर्म गर्म ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इनको बने हुए और थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, लेकिन जब हम लोग खाएंगे तो फिर ये कि थोड़ा सा मैं इनको दोबारा जो है ना ओवन में हल्का सा गर्म कर लूँगी। और लजीजा गुलाब जामुन की रेसिपी मैं 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इस दफ़ा भी जब मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी तो फिर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि नहीं हमसे नहीं बनते, हमारे टूट जाते हैं। तो पता नहीं क्यों आप लोग के टूट जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बनाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूट जाएँ। हालाँकि कई दफ़ा ये होता है कि दूध थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी ऐड हो जाता है, या घी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बस ये कि डो जो है आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी वो टाइट सी हो, तो कभी भी मेरे टूटे नहीं हैं, कभी भी हमेशा ठीक बनते हैं। तो आई डोंट नो पता नहीं क्यों आप लोग टूट जाते हैं, बहरहाल इस तरह से देखें मेरे तो इस तरह से बने हैं, हमेशा से इस तरह से रेडी होते हैं। तो ये है जी गुलाब जामुन की फाइनल लुक, और बस हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद मैं इसको हल्का से जो है ना ओवन में गर्म करूँगी और फिर हम लोग इसको खाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कीमा जो है वो भी मेरा रेडी हो गया था, और अभी ये काफ़ी जो है ना गर्म गर्म है तो इसके ऊपर अभी ऑयल नहीं आया, और इसके ऊपर जो है मैं गर्म मसाला इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, और बस हल्का हल्का सा इसके अंदर मैंने शोरबा रखा है। और यहाँ पर साथ साथ रोटी भी मैंने रेडी कर ली है, और अभी बहुत सख्त भूख लग रही है, तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना, और आप लोग से मैं चाहती हूँ इजाज़त। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।